हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, जियोनी GSW स्टाइल फिट वॉच के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। एंड सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि ऐप वॉच को सेटअप कैसे करना है, कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, कैसे कनेक्ट करना है मोबाइल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा पूरे फीचर्स मैं आपको बताऊँगा इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है। उसके लिए आपको मैनुअल यूज़ करना पड़ेगा। सो ये मैनुअल है जो आपको मिलता है। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इसको आप स्कैन कर लीजिए अपनी ऐप से। मैं इसको क्विकली स्कैन कर लेता हूँ। सो जैसे आप इसको स्कैन करेंगे, आइए आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। और प्ले स्टोर पर आपको ये वॉच मिलेगी गूगल फिट जी बड़ी स्टाइल फिट नाम से, और मैंने इंस्टॉल करी हुई है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऐप को ओपन कर लीजिए। कुछ परमिशंस मांगेगा ये आपसे, वो परमिशंस आप इसको दे दीजिए। यहाँ आपकी प्रोफाइल बनाने को कहता है। आप ये सारी डिटेल्स ओरिजिनल जितना डालेंगे उतना अच्छा आपको डेटा मिलेगा। एंड इसको अग्री कर लीजिए। कुछ परमिशंस मांगेगा, परमिशन दे दीजिए। आप इस विंडो पे आते हैं जहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है वॉच को कनेक्ट करने का। स्टेप्स, स्लीप एंड आउटडोर रनिंग, यहाँ पे आपको वो डेटा मिलता रहेगा कनेक्ट करने के बाद। चलिए वॉच को पहले कनेक्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। परमिशन मांगेगा लोकेशन की, वो दे दीजिए। यहाँ पे आपको आपकी वॉच का नाम दिखने लगेगा, ये वॉच की इमेज है, इस पर क्लिक कर लीजिए। बस आपकी वॉच कनेक्ट हो गई। इसमें बहुत इजी है कंपेयर टू बोट स्मार्ट वॉच। यहाँ पे कनेक्टिविटी मुझे ज़्यादा इजी लगी और फास्ट लगी। एंड आपको यहाँ पे स्टेप्स मिल जाते हैं, स्लीप, हार्ट रेट, कंटिन्यूस हार्ट रेट एंड ब्लड ऑक्सीजन। ये सारा डेटा आपको होम पेज पे देखने को मिल जाता है ऐप में। आप इसे होपली देख पाएंगे। एंड उसके बाद सेकंड पेज पे जब हम आते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा वॉच, इसकी इसमें बैटरी अभी फ़िलहाल कितना परसेंट है। इसमें वॉच फेसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं अलग से और शॉर्ट्स में भी दिखाने वाला हूँ उसमें क्या क्या वॉच फेसेस हैं। सो अभी मैं अगर आपको क्विकली दिखाऊं तो ये वॉच फेसेस बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा आपको इसमें नियरली 40 और वॉच फेसेस मिलते हैं। एंड गाइस, बहुत बहुत प्यारे वॉच फेसेस हैं। इवन एक तो आप कस्टम आप ये भी देख सकते हैं जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत प्यारा है। एंड एक्चुअली इस वॉच की डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 1.7 इंच का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है वॉच फेसेस को ट्राई करने में कंपेयर टू बोट स्मार्ट वॉच, जहाँ पे आप एक बार यूज़ करने के बाद फिर शायद थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। सो बट यहाँ पे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कस्टम वॉच फेस हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा ताकि और डिटेल में आपको पता लगे। नियरली 40 वॉच फेसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं बैक चाहता हूँ। और इसमें एक आध वॉलपेपर मेरे को ऐसा भी लगा जिसको आप खुद एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है, कलर्स, टाइम और पोजिशन ऑफ टेक्स्ट मूव करने के लिए। एंड यहाँ पे आप अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी फ़ोटो एज अ वॉलपेपर लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के शेयर करूँगा। वॉच फेसेस के बाद ये सबसे ज़रूरी है जो आप सबको चाहिए होता है, नोटिफिकेशंस। सो गाइस, अगर मैं नोटिफिकेशंस की बात करूं तो इसमें फ़ोन, मैसेजेस, फेसबुक, ट्विटर, ये सब वो ऐप्स हैं जो अभी फ़िलहाल इसमें इंस्टॉल हैं। और अगर आप टेलीग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा शायद टेलीग्राम का नोटिफिकेशन तो इसमें दिया ही नहीं है, अब क्या करें। सो आपको सिर्फ इनेबल करना है ये अदर, एंड आपको नियरली सारी वॉचेस की नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे ही आपने किया, आपको यहाँ पे आपके फ़ोन्स में नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए ये क्वेश्चन करेगा। आप यहाँ पे जी बड़ी स्टाइल फिट आ रहा है, इसको अलाउ कर दीजिए, और ये सब परमिशंस आपको देनी पड़ेंगी। ये परमिशन देने के बाद आप देखिए, आप फ़ोन, मैसेजेस, ये सारी जो जो परमिशंस है वो आपको शेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको SMS, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपको आपकी परमिशंस नोटिफिकेशंस अपनी वॉच पे चाहिए वो आप इस पे दे सकते हैं। सो ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशंस को अलाउ कर सकते हैं, आपको वॉच पे वो नोटिफिकेशंस दिखेंगी। वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कैसा इसमें दिखता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आई थिंक अलार्म इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग कंपेयर टू जो मोबाइल पे हम लोग अलार्म लगाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ बजता है, काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। बट मुझे वॉच के ऊपर अलार्म ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ वाइब्रेट करता है, शोर नहीं करता है, और आप आराम से इसमें मतलब आप अपने टाइम पे उठ सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। और ये कैमरा है शटर, आप अपने यहाँ से पिक कैप्चर कर सकते हैं। मैं आगे भी भले ही इसकी बात करूँगा लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से ये पिक्चर क्लिक हो गई।
सो ये फीचर भी काफ़ी हैंडी है एंड वो आप यहाँ ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स आपको वॉच में मिल जाते हैं। हम डिटेल में तो उसकी बात करेंगे ही, बट मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ कि जो है अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को बिना फ़ोन टच के यहीं से डायल कर सकते हैं और यहीं से कॉल रिसीव कर सकते हैं। ये मैं आगे शो करूँगा आपको। एंड गाइस, उसके अलावा ये अदर्स है। अदर्स में आप अपना कैसे आपको टाइम फॉर्मेट चाहिए और बाकी डिटेल्स आप कर सकते हैं। सेडेंट्री अलर्ट जो बोथ स्मार्ट वॉच में भी मिलता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग अगर आपको रीसेट करना है। सो गाइस, अगर आपको वॉच को रीसेट करना है आप इस ऑप्शन से इसको रीसेट कर सकते हैं। ये जो है क्विक व्यू, ये आपको ऑप्शन है कि जब आप रिस्ट को लिफ्ट करते हैं तो इसमें लाइट जलेगी और वापस रख देते हैं थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। एंड यहाँ पे एक अच्छा फीचर आपको मिलता है जो बोट में नहीं मिलता है। ऑन ऑफ तो खैर वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन कितने टाइम के बाद आपको ये बंद करना है और ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे आपको वाटर रिमाइंडर भी मिल जाता है जो आपको टाइम टाइम पे पानी पीने के लिए अपडेट कर सकता है। उसके अलावा वेदर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, ये आपको बोट पर नहीं मिलती है। एक मैं इसका बोट के साथ भी एक कंपेरिजन वीडियो करूँगा। एंड बाकी फॉर फीमेल्स देयर साइकिल कैन बी ट्रैक्ड ईजिली, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फीचर अवेलेबल है वॉच पे। इसके अलावा अपग्रेड अभी फ़िलहाल इसमें नहीं आया है, बट इस पर भी हमें नॉर्मल अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड ये जो है आपका अपना प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है, आप अपना गोल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉच, व्हाट यू गेट इन द वॉच इन द ऐप। तो ये सब कुछ आप लोगों ने देखा कि ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। मैं आपको क्विकली वॉच पे क्या क्या आपको मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे डाल देता हूँ। गाइस, एक चीज़ मुझे इसमें बहुत हूँ, जब आप इसे ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं तो इसमें ये इंटरफेस मिलता है आपको। ये आपको थोड़ा सा ऐसा याद दिलाएगा जैसे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं और ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, डे लाइट में देखने के लिए सफिशियंट है। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ये सेटिंग्स का जो आइकन है ये आपको iOS जैसा ही दिखेगा। उसके अलावा ये आपका डू नॉट डिस्टर्ब है। एक इसमें थिएटर मोड है ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशंस और उसकी दिक्कत ना हो। ये एक इसमें टॉर्च का फीचर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑन एंड ऑफ, नाइस। एंड ये आपका डिफाइन करता है कि आपको कैसे लिस्ट दिखानी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको हनीकॉम में मिलती है, तो जब आप यहाँ पे आएंगे जैसे आपको एप्पल वॉच में आइकन्स मिलते हैं उस तरीके से आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप, मैं इसको साइड में जाके वापस आता हूँ, और अगर आपको मेन्यू स्टाइल पसंद है तो अब आपको मेन्यू के तरीके से फीचर्स दिखेंगे। ये सारे फीचर्स को हम लोग मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में वन बाय वन। आप इसमें देख सकते हैं ये वेदर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर वॉच में वेदर इन्फॉर्मेशन आती है नहीं आती है, क्योंकि बोट में ये अवेलेबल नहीं थी, बट यहाँ पर आपको वेदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो ये सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप चाहे तो ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं जैसे कि फ़ोन में होता है। एंड सो गाइस, चलिए मैं आपको इसके बाकी फीचर्स दिखा देता हूँ। ये है सबसे पहले होम पेज, जैसा कि मैंने दिखा दिया था आपको। यहाँ पे आपको सब स्टेप्स मिल जाते हैं जिस स्टेप काउंटर के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे जो अच्छी चीज़ मिलती है वो है यहाँ पे डिटेल्स। सो ये डिटेल्स के लिए आपको वॉच में नहीं, सॉरी ऐप में नहीं जाना पड़ता, वॉच में ही ये डिटेल्स मिल जाती हैं। ऐसा फीचर बोट स्टॉम वॉच में नहीं था, तो आई एम बिट हैप्पी यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा स्टेप्स काउंटर के अलावा स्लीप काउंटर है इसमें। एंड स्लीप काउंटर के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस, ये काफ़ी एक्यूरेट है। जैसा कि मुझे बोट का भी पसंद था, बोट और ये मैं दोनों वॉच एक ही हाथ में बैठ पहन के सोया हूँ। हाँ, थोड़ा सा फ़नी चीज़ है, लेकिन मैंने ट्राई किया था ताकि ये पता लगे कि क्या दोनों के स्लीप काउंटर सेम है। तो दोनों में डेटा सेम मेरे को मिला, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट स्लीप काउंटर एक्यूरेट है। उसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलती है वो है ये डेटा, जो कि आप वॉच में ही देख सकते हैं। सो ये भी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट कौन कितना आप देर तक डीप लाइट स्लीप ली, कितना लाइट स्लीप ली, इसके लिए आपको वॉच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फीचर्स आपको ईजिली यहीं पे मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है।
इसके अलावा गाइस ये आपका हार्ट रेट मॉनिटर है, सो इसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं और ये भी अच्छी है। आई से इट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर आपको नहीं मिलता है, बट इसके अलावा गाइस ये आपको मिलता है कॉलिंग फीचर। मैं इसके छोटे से डेमो अपने अनबॉक्सिंग वीडियो में कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं और आप इन्हीं कॉल रिकॉर्ड को यहाँ से डायल भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसको एंड कर देता हूँ, सॉरी गाइस। उसके अलावा ये डायल पैड है, आप यहीं से डायल कर सकते हैं नंबर और कॉल आपकी फ़ोन से लग जाएगी। बेहतरीन फीचर है एंड मैं बैक करूँगा इसको। काफ़ी ये चीज़ मुझे ख़राब लगी कि आप बैक करते हैं तो बाहर निकल आते हैं यहाँ से। और ये कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपने फ़ोन पे अगर सेव किया हो कॉन्टैक्ट, तो वो आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, ताकि आप अपने फेवरेट्स नंबर को सीधे कॉल कर सकें यहीं से। एंड गाइस ये यहाँ तक ही फीचर है। इसके अलावा अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे जो सेटिंग्स है, अगर आप होम स्क्रीन से वापस नीचे आते हैं तो ये आपकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे से ऊपर करते हैं तो ये आपके सारे के सारे मिल गए हैं आपको नोटिफिकेशंस, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और करने के बाद इसमें 5 नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं एंड आप इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। और गाइस इसमें एक चीज़ मैं आपको अच्छी बताता हूँ, इसमें नोटिफिकेशन इंस्टेंट आते हैं, कोई डिले नहीं होता है, चाहे कॉल का हो चाहे मैसेज का हो, इंस्टेंट आ जाते हैं। वो इसकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। सो गाइस अगर मैं शुरुआत से बात करूँ इसके फीचर्स की, ये है इसमें स्टेप्स काउंटर। 100% एक्यूरेट नहीं है, बट जैसे आप वॉचेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही है। मैंने चेक किया था स्टॉम वॉच के साथ, तो नियरली इसका उसका सेम ही आता है स्टेप्स काउंटर। एंड गाइस स्लीप का मैंने आपको शेयर कर दिया ऑलरेडी, आप इसमें हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी नियरली सेम ही है जैसे सभी वॉचेस में आते हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, बट स्टिल इट स्टेज वेरी क्लोज। एंड गाइस मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि इन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, ब्लड मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर इसमें तो नहीं है बट स्टॉम वॉच में है। बट गाइस ये सब ना फैंसी फीचर्स हैं, हमें भी पता है 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो जब हम न्यू वॉच लेते हैं तो हम लोग काफ़ी मज़े से इसको यूज़ करते हैं, बट टाइम के बाद हम खुद इन फीचर्स को यूज़ नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, बट स्टिल दैट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। एंड गाइस इसमें स्पोर्ट्स मोड आपको मिलता है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड योगा। सो ये आपके स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको मिल जाते हैं एंड दीज आर क्वाइट गुड। उसके अलावा फ़ोन जैसा मैंने आपको दिखा ही दिया था ऑलरेडी। इसके अलावा आपको वेदर अपडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर चल रहा है और ये फोरकास्ट भी आपको मिल जाता है। ये फीचर स्टॉम में नहीं था, इट वाज मिसिंग, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जियो ने ये फीचर दिया हुआ है। उसके अलावा मैसेजेस आप अपने चेक कर सकते हैं। एंड गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था, या तो होम पेज से आप ऊपर स्वाइप कर लीजिए या यहाँ पे जाते हैं तो आपको मिल जाती है मैसेजेस। और जो जो नोटिफिकेशन हमने ऑन करी थी वो सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ 5 मैसेजेस नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। शटर मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था बट मैं फिर से एक एंड गाइज इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूज़िक प्लेयर। सो आप इसमें म्यूज़िक वगैरह प्ले कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये जो इसमें म्यूज़िक प्ले होता है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। एंड जो इसमें म्यूज़िक आप चाहे यूट्यूब में चले, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ये स्पीकर है और ये माइक है, अगर आप यूट्यूब भी सुनना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर सुन सकते हैं। म्यूज़िक सीधे इस पर डाइवर्ट हो जाता है, ये एज अ स्पीकर का काम करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एंड ये कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है। अब आपको जो आवाज़ आ रही है ये आवाज़ आपकी मोबाइल से नहीं आ रही है, ये वॉच से आ रही है। मैं मोबाइल को दूर रख देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली मेक आउट। ये इसका स्पीकर है, तो ये जो म्यूज़िक आपका मोबाइल पे बज रहा है वो एज अ स्पीकर आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग कि अगर आपको म्यूज़िक सुनना है बड़े आराम से आप इसमें सुन सकते हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ और अच्छी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप प्ले पॉज वगैरह ये सब कर सकते हैं। एंड अगर आप YouTube चलाते हैं, मैं आपको इसमें YouTube चला के दिखाता हूँ, मैं अपना चैनल पे कुछ वीडियो प्ले करता हूँ
सो वो भी आप अपने स्पीकर पे सुन सकते हैं, मैं ताकि कॉपीराइट का कुछ इशू ना आ जाए तो इस वजह से मैं अपने चैनल का कुछ एक वीडियो प्ले करता हूँ। सो गाइस वेलकम, स्वागत है आपका मेरी लाइव सेशन में। सो अगर आप अभी इसकी वॉइस सुन रहे हैं तो ये वॉच से आ रही है ना कि फ़ोन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसमें देखेंगे ये ब्लूटूथ की वॉच साउंड से आ रही है, तो ये फ़ोन से नहीं, ये वॉच से आ रही है एंड इट इज़ सफिशेंटली लाउड। सो गाइस आप आराम से इसको इसमें सुन सकते हैं विद साउंड। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो मेरे को पसंद आया, काफ़ी लाउड है एंड क्लियर है। सो गाइस जो हम बात कर रहे थे इसकी, आई होप ये प्लेयर वाला फीचर आपको भी पसंद आएगा। उसके अलावा ये रिलैक्सिंग का फीचर है दैट आपको ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में भी ये हेल्प करता है। इनहेल एक्सहेल, इट इज़ समथिंग गुड। स्टॉप वॉच आपको इसमें मिल जाती है। अलार्म गाइस एक बहुत बहुत अच्छी, जो मैं पर्सनली अपने जितने भी अलार्म है वो स्मार्ट वॉच पे ही लगाता हूँ आजकल, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम फ़ोन पे अलार्म लगाते हैं सब दुनिया उठ जाती है, सिर्फ हम ही लोग नहीं उठते, काफ़ी शोर शराबा डिस्टर्बेंस होती है सभी लोगों को। बट जब आप स्मार्ट वॉच पे लगाते हैं तो ये शोर नहीं करता, सिर्फ वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको पता लगता है कि ठीक है उठने का टाइम हो गया। और ये इसका बहुत मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है। और जब से मैंने स्मार्ट वॉच खरीदी है मैंने पर्सनली अलार्म सारे अपने वॉच पे ही डाल दिए, मैं फ़ोन पर अलार्म लगाता ही नहीं हूँ। उसके अलावा गाइस काउंटडाउन वाला फीचर है, ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एंड टॉर्च गाइस, ये तो मुझे बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा, आपको भी इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो ऑन एंड ऑफ, इट्स वेरी ईजी। सो गाइज ये तो सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए ये सारे इसमें अवेलेबल हैं, किसका यूज़ कैसे करना है, और आई होप आपको ये फीचर्स काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। अब अगर मैं इसको बोट से कंपेयर करूँ तो इसमें बोट स्मार्ट वॉच से काफ़ी ज़्यादा फीचर है, काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं जो सभी लोग अभी तक पूछ रहे थे, मांग रहे थे। एंड आई थिंक इट डज जस्टिस टू दैट थिंग। जो इसका प्राइस है अभी 2999, वही प्राइस में आपको बोट की स्मार्ट वॉच भी मिलती है। सो आई फील कि ये एक बेटर परचेज है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग। कॉलिंग क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया।